दिमप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। एक रील जो कि बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है वो ये आपके सामने मैं दिखा भी सकती हूँ। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज यूएई। और गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहां पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहत है यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को? इंडिया इंडिया 2007 में गया था। अच्छा, तो क्या देखा आपने वहाँ की जो आवाम है? वो तो नो डाउट के उनका एक ही माइंड सेट है। क्या माइंड? वो एक ही बात करते हैं। सबसे मेरी जो है ना बात हुई, कश्मीरी लड़कों से भी बात हुई, मुसलमानों से, इंडियन जो दिल्ली के हैं वहाँ के भी जो है ना वो लोग मुझे मिले, पंजाब के भी मिले, वो एक कॉमन बात वो सब करते थे कि जी हमारे बापू ने तो हमें ये बताया कि हमारा खून एक है, ये तो हम ऐसे ही बंटवारा हो गए। तो दोस्तों, इन दिनों भारत में गणेश पूजा चल रही है और जगह जगह पर गणेश पंडाल बनाए गए हैं, लोग पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद में, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका प्रचलन जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और उसके बाद में पूरे भारत में गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ऐसी भी खबर आ रही है कि यूएई में भी इसका धूमधाम से स्वागत किया गया है, और यूएई में भी लोगों ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही सम्मान पूर्वक और धूमधाम से वहां पर भी दुर्गा पूजा इस बार मनाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि हमेशा से सलमान खान जो है अपने यहां पर गणेश पूजा करवाते हैं और इसके बाद में वो धूमधाम से उसको मनाते हैं, विधि विधान से उस पूजा पाठ में शामिल होते हैं और उसके साथ में ही विसर्जन में भी वो शामिल होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा पूजा प्रतिष्ठान जो है सलमान खान खुद अपने यहाँ पर करते हैं। अब इस चीज से, अब एक तो यूएई में और फिर सलमान खान को और इस तरह के तमाम फिल्मी सितारों को जब पाकिस्तानी देखते हैं अपने उस जिहाद वाली नजर से, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ही मिर्ची लगती है और वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना चाहते हैं और वो इस पर भी अपना जो है राय कायम करने की कोशिश करते हैं। और इस चीज से उन्हें काफी दुख भी होता है कि किस तरह से कोई काफिर का साथ क्यों दे रहा है, कोई काफिर के पूजा में क्यों शामिल हो रहा है और उनके मुसलमान भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये वो अपना पुराना जो इस्लामिक कार्ड है वो खेलना चालू कर देते हैं और इस पर अनाप शनाप के तरह तरह के रिएक्शन ये लोग देना चालू करते हैं और देते ही रहते हैं, क्योंकि इनका मकसद दुनिया में शांति लाना तो है नहीं। खासकर पाकिस्तानियों की बात करें तो ये जहां भी गए हैं इन्होंने केवल अपना नाक कटाया है, इनकी बदनामी इनके ही तमाम इस्लामिक देशों में हो रही है और इनको ही बैन किया जा रहा है। इसके बावजूद ये इस चीज से चिंतित है कि आखिर सलमान खान क्यों अपने यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और क्या करते हैं। अब इनको ये कौन बताए, इनको ये कौन समझाए कि भारत में इन सब चीजों का कोई रोकथाम नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, सब एक दूसरे के हर त्योहार में शामिल होते हैं, लोग यहाँ पर त्योहारों के बदले खुशियां बांटते हैं, ना कि नफरत बांटने का काम करते हैं। और यही हाल अब यूएई से भी देखा जा रहा है कि यूएई भी और सऊदीया भी इन सब चीजों को और जो खासकर इस्लामिक टेरर है उससे जो है हटकर कुछ नया करने की कोशिश में लगा हुआ है और इसीलिए वहां पर उसने हिंदू लोगों को पूजा पाठ करने की भी परमिशन दे रखी है और अपने धर्म को फैलाने की, बातचीत करने की, पूजा करने की सारी जो सहूलियात हैं वो दी है। अब उसने जो सहूलियात नहीं दे रखी है वो है चोरी करने की, बदमाशी करने की और तरह तरह के हथकंडे अपनाने की और किसी देश को बर्बाद करने की। तो इस पर पाकिस्तानियों का नाराज होना लाजमी सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, हमारा खून एक है तो हम दो नहीं है। वो पॉजिटिव बात, ये उनकी पॉलिसी थी, उनकी तरबियत थी या उनकी हकीकी ये बात थी, उनके मुंह से यही बात निकलती थी कि हम दो नहीं है, हम जो ना वो खून हमारा एक है तो हमारे खून का रंग एक है, हम एक है। हर एक धर्मों की खूबसूरती और हर एक धर्मों को पालन करने वालों को एक रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। हमारा अल कुरान भी लकुम दीनकुम वलियदीन कहता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो जब हमारा अल कुरान इस बात की इजाजत देता है और क्योंकि हम एक साथ रहते हैं और भारत में तो सबको पता है कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटी
बहुत फले फूले हैं, बहुत बढ़े हैं। मेरे फायदा होगा अगर मैं इंडिया में खड़े होकर पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ। करके दिखाएं, मैं करके दिखाता हूँ। मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त सुन ले, सुन ले, सुन ले। हमें पता है जो इंडिया में, हम पाकिस्तान बहुत आजाद है, बहुत अच्छा माहौल है, माशाल्लाह। मानते हैं महंगाई है, मौलवी साहब सब सुनते लो यार, मानते हैं महंगाई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्या सुनने को, क्या इंडिया का जो है प्रेसिडेंट मुसलमान रहा है लेकिन अब्दुल कलाम रहा है। आप नफरत नहीं कर रहे, हम कह रहे आप नफरत नहीं कर रहे, मजाहब को आप नफरत नहीं कर रहे, आप नफरत नहीं कर रहे यार। वो हमसे जुल्म कर रहे, कश्मीर में कर रहे जुल्म। जबानी बात है, वो ये दिल्ली का रहने वाला भी वही बात कर रहा था, कश्मीर का मुसलमान भी वही कर रहा था, बल्कि कश्मीरियों से आप दिल्ली में मिले जी? कश्मीरियों से दिल्ली में मिले थे आप? नहीं, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ गए थे? चंडीगढ़ में कश्मीरी थे वहाँ पे जी। वहाँ पे एक स्टूडेंट मिल गया था वो मुझे, तो उससे मैंने बात की, उससे मैंने बात करना चाहिए तो वो मेरे गले ही पड़ गया। वो कहता जी आप हमारी क्यों सपोर्ट करते हैं, हम तो आप हमने आपको नहीं कहा कि आप हमारी सपोर्ट करें। अच्छा, कश्मीरी बंदा ये कहता जो इंडिया से कश्मीरी? बिल्कुल जी, ना वो यही कह रहा था। आपके गले पड़ गया वो? तो मेरे गले पड़ गया कि जी आप इंडिया के जो ना सॉरी अमेरिका के पिट्ठू हैं, तो आप जो ना वो अमेरिका के कहने पे बात करते हैं, सारा उसके कहने पे चलते हैं, तो हम जो ना वो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा ये अगर मुसलमानों का ये हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफज है। हम तो जो ना वो दर्द रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों में तो पूरे जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं उनका दर्द। आप अफगान देखो तो क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी थे वो खत्म हो गए। आप पाकिस्तान देखो, हिंदू माइनॉरिटीज को आप लोगों ने मार काट करके खत्म कर दिया। उसके बाद आप तालिबान देखो, वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज को मार काट करके खत्म कर दिया गया। उसके बाद आप ईरान देखो, वहां पर भी हिंदू माइनॉरिटीज को काट मार करके खत्म कर दिया गया। और अब हालिया में बांग्लादेश को हम लोगों ने अपनी नजरों से देखा है। इसमें कोई इतिहास के पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरबिया जो है वो टेररिज्म वाले इस्लाम से अपने आप को दूर रखना चाहता है। कश्मीरी जो हैं वो क्या कहते हैं, तालीम की और शऊर की कमी है, माइंड जो है ना वो रिजिड किया हुआ है। भाई हम तो तबलीग करेंगे, वो ना करें सही। हम तो मस्जिदें बनाएंगे, वो ना अपने मंदिर बनाए। भाई के भी सारे मुसलमान हो जाओ, भाई अल्लाह ताला नहीं देख रहे? अल्लाह ताला ने कोई जलजला इंडिया में आ गया, सारे काफिर मारे गए हैं, ऊपर से पहाड़ गिर पड़े हैं कि वो मारे गए हैं। तो अल्लाह के बंदे हैं, मतलब ये आप नफरतें खत्म कर। अगर आप यहाँ भी आजाद कश्मीर में भी जाकर देख ले तो पाकिस्तान को या पंजाब के लोगों को वो अच्छा नहीं समझते। हमारे भाई हैं वो, हम तो किसी भी सूबे के खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं रखते। चारों सूबे ही हमारे अपने हैं, पारा चिनार से लेके जो ना वो सिंध तक, सिंध की वादियों बलूचिस्तान से लेके कश्मीर तक, हम इनको बहसीत मुसलमान ही देखते हैं। मगर ये बदकिस्मती है, किन की तरबियत है, किन लोगों ने इनको तरबियत याफ्ता बनाया और ये लोग जो है ना वो पंजाब के साथ जो है ना बिलखसूस नफरत रखते हैं। पता कि इस्लाम को वो बात सही है, वो हमारे मुसलमान ब्रदर मुल्क है, लेकिन वो जब देखता है ना कि ये इनको दिए खूह खाता है, खूह में डालना है, ये पता क्या करते हैं, इन्होंने अपने मुल्क के जो पैसा है सबसे ज़्यादा है वो तबाह कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या करेंगे जो अपने मुल्क के अवाम के साथ कुछ नहीं कर रहे? तो हमारे साथ मुखलिस क्या है, वो यही घबराते हैं। वरना वो ये नहीं कि वो उनकी हमारे साथ मुखलिस नहीं, मुखलिस है, लेकिन वो कहते हैं यार ये अपने मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, अपनी अवाम उनकी रोल रही है तो ये हमारा पैसे भी रोल देंगे और अपनी शाह खर्चियां करेंगे, अवाम रोलेगी तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। इराक के ऑफिशियल लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इराक में आते हैं और वो स्मगलिंग करते हैं, वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं और भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो डिप्लोमेट गया हुआ था वहां पर वो बहुत शॉक भी हुआ और आपके वजीर आजम भी कहे नहीं ये सब कुछ झूठ है। जिस पर इराक के ऑफिशियल ने, इराक के डिप्लोमेट ने बजाफ्ते पूरा प्रूफ दिया है यूएन को। आई एग्री, और पाकिस्तान के कुछ लोगों की ऐसी एक्टिविटीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान पूरा बदनाम हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जो है वो इस तरह की तहरीकें चल रही हैं, आपको भी पता है, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर कुछ अभी हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो काफी ज्यादा इस टाइम नारे चल रहे हैं, स्लोगन्स जो हैं वो रेज किए जा रहे हैं, महरूंग लोग जो कि बहुत ज्यादा इस टाइम हाइप क्रिएट कर चुकी है वर्ल्ड के अंदर, उनको बहुत ज्यादा नाम से जाना जाता है। अब बलूचिस्तान के अंदर एक तो उनका कहने को फ्लैग बदल रहा है और दूसरा उनका जो एक नारा है वो बहुत ज्यादा गूंज रहा है और वर्ल्ड इस चीज को कवर कर रहा है कि वो पाकिस्तान से
उस तरह से रहना नहीं चाहते या फिर शायद अलहदगी लेना चाहते हैं।